हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसीसी उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 36 क्वेश्चन बैंक 2009 में क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे उसके बारे में। यह है रेलवे सामान्य अध्ययन बुक की स्पीडी, जिसका नाम है, यह है वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर जीके के क्वेश्चन। वॉल्यूम 2 जो बुक है इसकी, उसमें सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं MCQ फॉर्मेट में। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं, अपना स्कोर अब तक नहीं निकाला है कि आपकी तैयारी क्या कितनी सही चल रही है कितनी वीक है, तो आप उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वो सभी वीडियो और ये इस बुक के सभी वीडियो आपको मिलेंगे सिंगल एक प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है स्पीडी रेलवे जीके की प्लेलिस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला जो पॉइंट है इसमें पेज नंबर 112, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है केवल वही मैंने इसमें हाईलाइट करे हैं, जैसे कि वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब 1 bar होता है और गाटा कामास्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। वायुमंडलीय, वायु में ऑक्सीजन 21% होता है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे और लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। जनगणना ये जो है कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो जनगणना जो आता है वो आता है संघ सूची के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँगा, एक है आपकी 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में इसमें दिया गया है, कौन सी शक्ति पावर स्टेट के पास में होगी और कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी। तो इसको क्या हुआ कि इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ बनाई गई थी, इसको बोलते थे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कितने विषय हैं, कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंतर्गत आती हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, कौन सी कैटेगरी इसके अंतर्गत आती है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं लूसेंट जीके की ब्लू वाली बुक में। अगर आपने वो बुक अब तक नहीं पढ़ी है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उस बुक को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, इसमें क्या करा गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कौन सी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है, कौन सी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त नहीं है, वगैरह वगैरह। गॉट इट? तो बढ़े आगे हम लोग अगले पॉइंट की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, A.O. Hume। स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की, 1885 में। पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था, मुंबई में। वास्को डिगामा पुर्तगाल का एक यात्री था और व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला पॉइंट है कि ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं करते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बात कर रहा है भारत के, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री। स्किप मत करना माइंड से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर ये नाम है आपका कोणार्क, कहाँ पर है, तो ये है आपका उड़ीसा में। और सुंडा जलडम रमुध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बाबर को, जी हाँ बाबर को। अब बात करते हैं थोड़ी सी बाबर के बारे में। बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं। अगर बात करें बाबर की, तो बाबर के 4 पुत्र थे, एक था हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदाल। बाबर ने अपना पहला जो वॉर लड़ा था वो लड़ा था उसने 1519 में और यूसुफ जायू के विरुद्ध, परंतु उसका क्या हुआ, प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था 1526 में। 1519 वाला छोटा मोटा था आंदोलन या फिर आक्रमण, वो इतना काउंटिंग में नहीं आता, लेकिन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, उसके बाद खानवा का युद्ध भी इसी ने करा था, चंदेल का युद्ध भी इसी के काल में हुआ था, घाघरा का युद्ध भी इसी के काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसके बाद अगले वर्ष हुआ था 1528 में सेकेंड वॉर, इसको बोलते थे चंदेरी का युद्ध। फिर एक वर्ष बाद इसने वॉर लड़ा था, उसका नाम था आपका घाघरा का युद्ध, राइट, घाघरा का युद्ध, ठीक है। और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है आपका बाबरनामा, और इसका अलग एक, कभी कभी इसको किसी अन्य नाम से भी ऑप्शंस में आपको देगा, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी बोलते हैं इसको, बाबरनामा कहते हैं इसको। और भी काफ़ी सारी बातें हैं बाबर के बारे में, अगर मैं डिस्कस करने चाहूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो फिलहाल वीडियो की लेंथ को मेंटेन करते हुए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन।
अगला पॉइंट, क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और हृदयाघात का कारण कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। हार्ट अटैक जो आता है ना, वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। राज्य अपहरण के नीति का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रस्तुत किया गया। पम्पास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रणथंभौर वन्य जीव विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। टैगा वन में अल्पाइन के वृक्ष होते हैं। हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना, और उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं आपसे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश। राजधानी है इसकी ढाका, मुद्रा है इसकी टका। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। संसद नेशनल असेंबली, भाषा उर्दू। बात करते हैं नेपाल की, राजधानी है नेपाल की काठमांडू, मुद्रा है यहाँ की नेपाली रुपया। भूटान राजधानी थिम्पू, मुद्रा गुलट्रम। संसद पार्लियामेंट, भाषा जोखखा। म्यांमार राजधानी नेपी तत्व। केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका की राजधानी, मुद्रा, संसद, भाषा, ये सभी आपको याद करनी है। मालदीव राजधानी है इसकी माले। चीन राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। अब बढ़ते हैं अगले पेज नंबर पर, पेज नंबर 113। भारत में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए। हाँ, किसी तत्व के गुणों का परमाणु क्रमांक क्रमांक प्रदर्शित करता है। जितना क्रमांक होगा उसका परमाणु का, उसी हिसाब से तत्वों की गुणवत्ता डिसाइड की जाती है। क्वार्ट्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा या संध्या का तारा, पृथ्वी की बहन, बहुत नामों से इसको जाना जाता है शुक्र को। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में जोड़ती है। आराम हराम है ये जो नारा था, ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। कितने हैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? बताइए बताइए। चलिए, ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था उपग्रह की संख्या के बारे में। फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी है सर सैयद अहमद खां थे। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम आसफ जाही था और मैगस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। किस और जो डिजाइन करा था वो करा था जॉर्ज विवेट ने। अब देखिए, चाय में जो होता है टैनिक अम्ल होता है, चाय में निकोटीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है। आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फूट रोग होता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, अर होते हैं, 24 तिल्लियां होती हैं। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तो बीच में जो सर्कल होता है उसमें जो लाइनिंग होती है, टोटल कितनी होती है? 24। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अनुच्छेद 315 जो है वो यूपीएससी से संबंधित है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। रबड़ को कड़ा करने के लिए, जो रबड़ देखते हैं ना, रबड़ एक्चुअली बहुत ही सॉफ्ट होती है, जैसे आपका गीला आटा होता है ना वैसे ही सॉफ्ट होती है, लेकिन उसको कड़क बनाया जाता है। जो आप रबड़ यूज़ करते हैं अपनी बाइक के टायर में, रबड़ होती है अपना, जो आप स्टेशनरी यूज़ करते हैं कुछ चीज़ मिटाने के लिए, तो वो क्या होती है? कड़क होती है। लेकिन स्टार्टिंग जो उसका बेस होता है वो एक्चुअली बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप हाथ में लेंगे ना वो मतलब तैरता हुआ टाइप का होता है, जैसे डार्क कोई चीज़ होती है ना तो वैसे ही होता है, लेकिन उसको कड़क बनाया जाता है बाद में। ठीक है, ये याद रखना, कड़क किसके द्वारा बनाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए गंधक उसमें मिलाया जाता है। और भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। जब वायुयान एरोप्लेन जब उड़ता है उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों ही विद्यमान होती है। वायुयान के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? वायुयान जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसके जो टायर होते हैं, टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है, तो वो है आपकी हीलियम। अगला पॉइंट है हमारे सामने, परमाणु शोध तथा रेडियो थेरेपी में रेडॉन गैस उपयोग की जाती है। सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबल कहा जाता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित है और
भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा दिया था, ये दिया था आर्य समाज संस्था ने। अब सेंटर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखते हैं। हवाई अड्डा तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका पोर्ट ब्लेयर में, इंदिरा गांधी है आपका नई दिल्ली में, कालीकट है आपका केरल में, छत्रपति शिवाजी मुंबई में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है आपका नागपुर महाराष्ट्र में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर जो है आपका टाइटन, इसके निर्माता कौन है? क्रे। अगला है आपका इंस्टॉपेड, इसके निर्माता हैं आपके डेल। तो देखिए ये चांस बहुत कम है पूछने के, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या पता पूछ सकता है आपसे, तो तैयारी को कम से कम स्ट्रांग रखिए। आधी अधूरी जानकारी लेके जाएंगे तो शायद सिलेक्शन ना हो पाए, तो बारीक से बारीक चीज़ों पर हमने गौर करना है और उसे याद करना है, उसका रिविज़न करना है। अगला पॉइंट आपका खिलाड़ी है एंडी नासीमेंटो, फुटबॉल है ये खेलते हैं और इनका देश है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील देश से संबंधित है, मतलब ब्राज़ील के ये प्लेयर हैं। मैग्नस कार्लसन शतरंज से संबंधित हैं, नॉर्वे के। टाइगर वुड्स गोल्फ अमेरिका, रोजर फेडरर टेनिस स्विट्ज़रलैंड, मारिया शरापोवा टेनिस खेलती हैं और इनका जो देश है वो है रूस। आगे पेज नंबर 114, संसद में बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र द्रोणिका बेसिन कहलाता है। भारत में पहला समाचार पत्र है जेम्स ए हिक्की। राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि कहते हैं और महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट कहते हैं। वाय चुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि है कितनी? 40,075 किलोमीटर। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड हुल्का कहलाते हैं। जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। पानी में SO2 के घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। रजिया बेगम गुलाम राजवंश की शासिका थी और गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना। गांधी इरविन समझौता का अन्य नाम क्या है? एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर होगा इसका दिल्ली समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट कहलाती है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10^12 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे हम बात करते हैं अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नाइजीरिया की नई राजधानी क्या है? अबुजा। बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। मत पंथों को सबसे पहले प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय जो है वह है कमलेश शर्मा। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में स्थित है और वह जो नक्शा बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। जो नक्शा डिज़ाइन करता है ना किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, तो वो सब जो डिज़ाइनिंग होती है वो होता है आपका कार्टोग्राफर। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मोनिकसा हैं। BCGT का पोलियो से संरक्षण देता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सर्वसम्मति से नीलम संजीवा रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। अब बात करते हैं सूचकांक के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज। तो मुंबई का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है डॉलेक्स एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी। निक्की टोक्यो का, सेट थाईलैंड का, तीन ताइवान का, shanghaicom.com ये आपका चीन का, जकराता इंडोनेशिया का। फसलें और सीड्स उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे उत्पादक होता है? तो वो होता है कश्मीर में, काली मिर्च केरल में, छोटी इलायची केरल में, लौंग तमिलनाडु में, मिर्च आंध्र प्रदेश में, हल्दी आंध्र प्रदेश में और लहसुन होता है आपका गुजरात में। फल और सीड्स उत्पादक राज्य, मैक्सिमम आम कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश में नारियल, केरल में अनार, महाराष्ट्र में नाशपाती, हिमाचल प्रदेश में लीची होती है, बिहार में। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 115 की ओर। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय को होता है और थायरोक्सिन हार्मोन अफ्टु ग्रंथि से स्रावित होता है। सिक्किम की राजधानी गंगटॉक है और ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर क्या है? लोथल था।
भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी आपसे, आपको याद होगा 35 वर्ष। फिर भी इसी बहाने आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए पिछला हमने क्या पढ़ा था, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सब। मुसोलिनी का जन्म हुआ था 1883 में। आल्पस एक लली एक वलित पर्वत है जो यूरोप में स्थित है। भारत की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है या फिर लागू की जाती है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद 18 वर्ष का कोई भी बच्चा कोई भी वयस्क मतदान कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैड है। और भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। पंचायत समिति का गठन गांवों के समूह के लिए होता है। यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए बम प्रथम परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी जापान के दो शहर थे, यूएसए के द्वारा इस पर बम गिराया गया था और पूरी तहस नहस हो गई थी। तो ये दोनों बम के नाम आपको याद करने हैं, लिटिल बॉय और सेकेंड बॉम्ब का नाम क्या था, फैटमैन। देखिए भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर निर्मित है और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। डेंगू ज्वर विषाणु वायरस द्वारा होता है और रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। आनंदी डेयरी फार्म गुजरात में स्थित है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के गुरु। एड्स का नामकरण 1982 में हुआ था। शेयर बाजार नियंत्रण सेबी करता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज जो अप एंड डाउन होते हैं तो वो सब जो कंट्रोल करता है वो करता है सेबी। प्रमुख संगीत के साधक, देखिए पंडित रविशंकर का जो संबंध है या फिर विलायत खां का जो संबंध है वो है सितार से, और बिस्मिल्ला खां बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्ला खां और दयाशंकर जगन्नाथ इनका संबंध है सेनाई से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं ये, और इनका संबंध इससे है। और बदरुद्दीन डागर वीणा, जाकिर हुसैन तबला और फयाज भी तबला ही हैं। सरोद अमजद अली खां, अली अकबर सरोद, जरीन दरवाला सरोद और वायलिन एल सुब्रमण्यम संगीता वायलिन से, रुद्र वीणा, असद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां आदि। अब देखिए विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, ये जो है हमारा राष्ट्रगान है और ये है भारत का। गॉड सेव द क्वीन यूनाइटेड किंगडम का है और सया थुंगा फूल का नेपाल का ये राष्ट्रगान है। एक खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। टैगोर ऑफ पंजाब पूरन सिंह को कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक थी उन्होंने लिखी थी अहमदनगर जेल के अंदर जब वो थे तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका UPPCS एंड UPSC के प्रीलिम्स एग्जाम GS पेपर 1 में कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज जरूर याद करिएगा। इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से। अब बात करते हैं हम क्रांति के बारे में, कलरफुल क्रांति के बारे में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बुक में लिखिए ध्यान से। देखिए आपसे एक बात करता है वो कभी कभी काली क्रांति के बारे में। काली क्रांति एक्चुअली पेट्रोल से संबंधित होती है, गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित होती है, एक होती है रेड क्रांति ये मांस से संबंधित होती है। और देखिए हरित क्रांति भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उसका जन्मदाता कौन है, हरित क्रांति को किसने जन्म दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से लेकर के 67 के बीच में। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत मतलब वाइट, वाइट क्रांति मतलब दूध से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए फसल के बारे में, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, नकदी फसलें कौन सी होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये सभी चीज़ें आपको एक्चुअली टिप्स पे याद होनी चाहिए। और देखिए एक ही वीडियो में मैं हर चीज़ कवर नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर आप कहीं बोर ना हो जाओ, क्योंकि बच्चे लंबे लंबे वीडियो नहीं देखते हैं, ना ही वो शेयर करते हैं, ना ही लंबे वीडियो तरीके से 100% वॉच कर पाते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे इसमें। हाँ, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और
तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ करता है, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सुनार बंगला। इसके रचयिता कौन है? पहला है कि राष्ट्रगान कौन सा है, तो वह है अमार सुनार बंगला, और इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, स्थल मतलब कि जो भूमि के साथ जो टच करने वाला जो देश है हमारा भारत के साथ में, वो है हमारा बांग्लादेश। अगला पॉइंट है आपका, शुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। भारत में तीनों कमानों की जो सर्वोच्च होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति, और नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। लंगूरिया कैला देवी से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रस कितने होते हैं? तो वो होते हैं 9। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। OCR कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाता है। तो इसमें किस प्रकार का कागज यूज होता है? तो वो होता है आपका OCR कागज। फायरवॉल सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच में रोक लगाकर सिस्टम का बचाव करता है। फायरवॉल मतलब कि जैसे सिस्टम में आप देखते हैं ना, आप विंडो वगैरह में, तो वहाँ पर फायरवॉल होती है, तो वो बाहरी दुनिया की तरफ से जो भी अनवांटेड जो सिग्नल आते हैं उस सबको ब्लॉक करता है फायरवॉल। तो अब अगला पॉइंट है, दो नेटवर्किंग नोड के बीच सीधा संबंध साधने के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। भवन और शासनाध्यक्ष, क्रेमलिन राष्ट्रपति रूस के इसमें रहते हैं, और 24 सक्सेस ड्राइव प्रधानमंत्री कनाडा। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भारत के रहते हैं यहाँ पर। लॉन्स पिनोस राष्ट्रपति मैक्सिको के रहते हैं। बकिंगम में ब्रिटेन की महारानी रहती है। व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। अब देखिए स्थान, स्मारक देश, स्मारक है झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? तो यह है पीसा में। देश है इटली। ताजमहल कॉमन सी बात है, आगरा भारत सबको पता होगा। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क USA। अब हम बात करते हैं तत्वों के लेटिन नाम और संकेत। सोडियम लेटिन नाम है इसका, नेट्रियम Na से इसको संकेत करा जाता है, मतलब इसको डिनोट करा जाता है कि हाँ Na का मतलब क्या हो गया? नेट्रियम। नेट्रियम का मतलब सोडियम। आयरन फेरम एफी, तांबा कप्रम Cu, टंगस्टन वोलोराम W, सोना ऑरम Au। तो फ्रेंड ये था आज का पार्ट 36, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, और अपने फ्रेंड तक मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो की जो शेयर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो रही है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ बस आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।